मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से, आज जो छात्र हैं हमारे 207 से संबंधित हैं, उनको हाइड्रोलिक क्रेन के कंस्ट्रक्शन कार्यप्रणाली के बारे में बताऊंगा। छात्रों, ये हाइड्रोलिक क्रेन का चित्र है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रोलिक क्रेन का कार्य क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक क्रेन। तो हाइड्रोलिक क्रेन जो है वो हैवी ड्यूटी मशीन है। बेसिकली यह हैवी जो लोड हैं, हैवी लोड को लिफ्टिंग या लोडिंग के काम में आता है हाइड्रोलिक क्रेन। जहाँ जैसे बहुत ही जो हैवी इंडस्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, या फिर रेलवे वैगन्स हैं, पोर्ट्स हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत भारी भारी वजनदार चीज़ें होती हैं, हैवी लोड्स होती हैं, उनको ऊपर उठाने और नीचे उतारने के काम में आता है। तो ये हाइड्रोलिक क्रेन का फंक्शन है। हाइड्रोलिक क्रेन के फंक्शन के बाद हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोलिक क्रेन में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये आपका जिब है, JIB जिब। ये टाई रोड है, ये वर्टिकल पोस्ट है। ये जो टाई और जिब, ये वर्टिकल पोस्ट से अटैच्ड रहता है, इनसे जुड़ा रहता है टाई और जिब। और ये जिब वर्टिकल पोस्ट के फुट पे, वर्टिकल पोस्ट के फुट पे हैंग होता है, हैंग हो रहा है। फिर इसमें देखिए, ये आपका पुली है जो कि फिक्स पुली है, और ये आपका फिक्स सिलेंडर है। इस फिक्स सिलेंडर के अंदर ये हाइड्रोलिक जिगर है। हाइड्रोलिक जिगर, इट कंसिस्ट ऑफ ये एक रैम, और उसके साथ में ये मूवेबल पुली है, यानी ये मूव कर सकता है ये पुली, इसको हाइड्रोलिक जिगर कहते हैं। और ये एक सप्लाई लाइन है, और ये आपका एक वाल्व है, इनलेट वाल्व है, जो यहाँ प्रेशर में पानी को सिलेंडर के अंदर भेजता है या फिर यहाँ से वापस लौट सकता है। इनलेट वो आउटलेट, ये वाटर का आउटलेट है, ये इनलेट है। इनलेट होकर प्रेशराइज वाटर या एडमिट भी हो सकता है, और वापस आउटलेट वाटर के आउटलेट से निकल भी सकता है। तो ये, और ये आपके वायर रोप है, ये वायर रोप, ये गाइड पुली है, और ये वायर रोप ये सी हुक की मदद से लोड को सस्पेंड कर सकता है, लोड से अटैच कर सकते हैं अपन इस हुक की मदद से। यानी ये वायर रोप हुक से जुड़ी रहती है, और ये हुक लोड को हैंग कर सकती है, सस्पेंड कर सकता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन के बाद में ये कैसे कार्य करता है, कार्य प्रणाली को समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया, इसमें जिब है, टाई रोड है, वर्टिकल पोस्ट है, फिक्स पुली है, फिक्स सिलेंडर है, हाइड्रोलिक जिगर है, एक सप्लाई लाइन है, और इनलेट वाल्व है चित्रानुसार। तो अब बेसिकली हमने हाइड्रोलिक क्रेन का जो ऑब्जेक्टिव है, इस लोड को ऊपर उठाना, लिफ्ट करना, या फिर वापस लोड को छोड़ना। तो ये काम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वायर रोप को या तो वायर रोप पर खींचे या फिर वायर नीचे की तरफ आए। तो ये एक्शन जो है वो किस तरह से होता है, तो हम देखते हैं। ये जो इनलेट वाल्व है, इसकी मदद से हम प्रेशराइज वाटर को फिक्स सिलेंडर के अंदर भेज सकते हैं। इस फिक्स सिलेंडर के पानी प्रेशराइज वाटर में भेज सकते हैं, किसके माध्यम से, इनलेट वाल्व के माध्यम से। और ये जो प्रेशराइज वाटर है, ये इस रैम को जो कि इस पुली के साथ अटैच्ड है, उसको पुश कर सकता है। तो प्रेशराइज वाटर के कारण रैम मूव करेगा राइट की तरफ। तो ये मूवेबल पुली, ये भी मूव करेगी राइट, और इस पे वायर
इट द वायर रोप इज पासेस अराउंड द पुली एंड इट पासेस गाइड पुली एंड अटैच टू द लोड. जब ये मूवेबल पुली ब्लॉक जब मूव करेगा तो वायर भी पुल होगा, इस तरफ खींचेगा, तो वायर खींचेगा तो ये भी वायर खींचेगा इस तरफ, तो ये वायर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये लोड को ऊपर उठा लेगा, रेज द लोड, लिफ्ट, लोड को लिफ्ट करेगा. जब जब हमें लोड को छोड़ना होता है तो हम जो ये प्रेशराइज वाटर भेज रखा है इस प्रेशर को ग्रेजुअली रिड्यूस कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका रैम है वापस अपनी पोजीशन रीगेन करेगा, तो ये ग्रेजुअली मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो मूवेबल पुली ब्लॉक भी लेफ्ट की तरह मूव करेगा, तो वायर क्या होगा, वायर वापस नीचे की तरफ, वायर नीचे की तरफ आने लगेगा, तो लोड को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा. तो इस तरह से हाइड्रोलिक क्रेन कार्य करता है. तो हाइड्रोलिक क्रेन का जो मुख्य कार्य है, हाइड्रोलिक क्रेन इज हैवी ड्यूटी मशीन्स दैट इज बेसिकली यूज फॉर लिफ्टिंग एंड लोडिंग हैवी लोड्स. वी कैन सी दीज आर यूज्ड इन रेलवे वैगन्स, पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री. तो ये आपके कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में हुआ हाइड्रोलिक क्रेन के.